बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फास्टस, टेक्स्ट, एक्ट थ्री सीन वन, एनकेएम की बुक उर्दू वर्यन, पेज नंबर बताएं। 158। इससे पहले डॉक्टर फास्टस वो पूरी कायनात की सैर कर चुका है। इस वक्त वो ड्रैगन पर बैठकर मेफिस्टोफिलिस के साथ वो गया है पोप के चैम्बर में। ये कैथोलिक चर्च है रोम के अंदर, वहाँ पर पोप है। पोप के प्राइवेट रूम के अंदर गया है जहाँ पर एक खाने का अहतमाम है। और यहाँ पर फास्टस क्या टोम फोल्डरीज करता है, क्या वहाँ पर हरकतें करता है, जोक्स करता है, लेट अस सी। देखते हैं इस टेक्स्ट में। फास्टस, द पोप्स प्राइवी चैम्बर, ये ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग है द पोप्स प्राइवी चैम्बर, यानी कि पोप का प्राइवेट रूम। इंटर फास्टस एंड मेफिस्टोफिलिस, यहाँ पर फास्टस और मेफिस्टोफिलिस दाखिल हो गए हैं। फास्टस का डायलॉग, हैव नो माय गॉड मेफिस्टोफिलिस, मेरे अच्छे मेफिस्टोफिलिस, अब पॉज्ड विद डिलाइट द स्टेटली टाउन ऑफ ट्रायर, हमने ट्रायर के शहाना टाउन को बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर को पास कर लिया, यानी कि हम एक टाउन के ऊपर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। इन वराउंड राउंड विद एरी माउंटेन स्टॉप्स, और ये ट्रायर जो टाउन है ये आसमान को छूती हुई माउंटेन्स में घिरा हुआ है। इन वॉरेंड का मतलब घिरा हुआ होना, एरी का मतलब हवा में, माउंटेन टॉप्स ऐसी माउंटेन टॉप्स जो स्काई की सिंगो, विद वॉल्स ऑफ फ्लिंट, और इसके ऊपर इसके चारों तरफ, इस टाउन के चारों तरफ फ्लिंट स्टोन की वॉल है, एंड डीप इंट्रेंच्ड लेक्स, और यहाँ पर तरोताज़ा डीप गहरी नदियाँ हैं, नॉट टू बी वोन बाय एनी कॉन्करिंग प्रिंस, और चारों तरफ से क्योंकि नदी है और फिर पत्थरों से घिरा, पत्थरों से बना हुआ इसकी दीवार है इस टाउन की, और फिर पहाड़ों से घिरा हुआ है ये पूरा टाउन, तो इसको कोई भी कंकरिंग प्रिंस, ऐसा बादशाह जो कि हमला आवर हो, जो कि जीतने वाला हो, और वो भी इस टाउन को नहीं जीत सकता। फ्राम फेरिस नेक्स्ट कोस्टिंग द राइम ऑफ फ्रांस, और फिर इसके साथ नेक्स्ट फेरिस है, फ्रांस का इलाका है। वी सा द रिवर मेन फॉल इन टू राइन, और हमने देखा यहाँ पर कि रिवर जो है मेन रिवर, रिवर का नाम है मेन, ये राइन रिवर के अंदर गिरता है जाकर। हुज बैंक्स आर सेट विद ग्रोव्स ऑफ फ्रूटफुल वाइन्स, और जिसके किनारों पर जिस इस राइन दरिया के किनारों पर क्या है, ग्रोव्स, बहुत ज़्यादा झुंड हैं फ्रूटफुल वाइन्स के, फ्रूटफुल बेलों के, यानी कि अंगूर की बेलों के झुंड यहाँ पर मौजूद हैं इस दरिया के किनारे पर। देन अप टू नेपाल्स, फिर नेपाल है, रिच कैम्पानिया है, और रिच कैम्पानिया यहाँ पर मौजूद है, यानी कि रूम को घिरे हुए मैदान है यहाँ पर। हुज बिल्डिंग्स फेयर एंड गॉर्जियस टू द आई, और ये जो बिल्डिंग्स हैं इस नेपाल की या रिच कैम्पानिया की, ये बहुत ही गॉर्जियस, आँखों को खीरा कर देने वाली हैं, और बिल्डिंग बहुत खूबसूरत हैं। द स्ट्रीट स्ट्रेट फोर्थ, गलियाँ बिल्कुल सीधी हैं, एंड पेव्ड विद फाइनेस्ट ब्रिक, और हर गली उम्दा ईंटों से बनाई गई है। क्वार्टर द टाउन इन फोर इक्विवेलेंट्स, और फिर जो टाउन है वो चार हिस्सों में बराबर तकसीम है, इक्विवेलेंट्स बराबर, फोर चार, क्वार्टर हिस्सों में, चार हिस्सों में। यस, हेलो, जी जी, ओके, डू इट, ओ दैट्स वेरी राइट, आई विल टेल यू बाय टेक्स्ट, ओके, नाइस ऑफ दी, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाउ पूरा शहर चार हिस्सों में तकसीम है, देयर सा
this we learn Morrow's golden tomb, और ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, तीन चार लाइंस होंगी। और यहाँ पर हमने देखा मॉरो यानी कि विर्जिल जो कि इटालियन पोएट था, इसने अनीड एक एपिक भी लिखी थी, अनीड नाम की एपिक, विर्जिल उसको मॉरो कहते हैं। यहाँ पर विर्जिल का मॉरो का गोल्डन टॉम्ब आ गया है, यानी कि अब ये सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर आसमान पर, तो वो देख रहे हैं वहाँ पर, वो इन्जॉय कर रहे हैं उस सीन। तवे ही कट, और रास्ता जो काट कर बनाया गया है, एन इंग्लिश माइल इन लेंथ, और तकरीबन एक मील की लेंथ को काट कर यहाँ पर रास्ता बनाया गया, यानी कि पहाड़ होंगे वहाँ पर रास्ता बनाया गया है एक मील को काट कर। निदा चेयर ले हो, यहाँ आ जाओ। नो, डू यू नो व्हाट वी आर रीडिंग? थारो रॉक ऑफ स्टोन, और वो रॉक ऑफ स्टोन पहाड़ को काट कर यहाँ पर रास्ता बनाया गया है, रॉक ऑफ स्टोन यानी कि पत्थर की चट्टान को काट कर। इन वन नाइट स्पेस, एक रात के अंदर ही यहाँ पर पहाड़ों को काट कर एक मील का रास्ता बनाया गया है। फ्रॉम देंस टू वीनस, फिर वीनस कंट्री का नेम है, पाडुआ इटली का शहर है आई थिंक, एंड द रेस्ट और बाकी तमाम कंट्रीज, इन वन ऑफ विच सम्पिचुअस टेम्पल स्टैंड्स, इन सब में सबसे खूबसूरत गिरजा ठहरा हुआ है, एक गिरजा घर है। सम्पिचुअस बहुत ही खूबसूरत, टेम्पल एक मुफ्त ठहरा है, एक गिरजा घर ठहरा है। देयर थ्रेट्स द स्टार्स विद हर एस्पायरिंग टॉम, और ये गिरजाघर अपनी बुलंदी की वजह से सितारों को धमकाता है, यानी कि बहुत सितारों के करीब तर चला जाता है। थस हिदर टू हैज फास्टेस्ट स्पेंड हिज टाइम, बस हिदर टू, इस तरह से फास्टेस्ट ने अपना वक्त खर्च किया, मीन के फास्टेस्ट अब सैर कर रहा है, देख रहा है, मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहा है। बट टेल मी नाउ व्हाट रेस्टिंग प्लेस इज दिस, लेकिन मुझे बताओ ये क्या मकाम है, ये क्या जगह है। हैज दाओ एज अस्ट आई डेड कमांड, हैज दाओ, क्या तुम लाए हो वहाँ पर एस्ट, उस जगह पर आई डेड कमांड, जहाँ पर मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था, यानी कि ही सेइंग दैट, क्या तुम मुझे रूम में ही ले आए हो ना, मैंने पोप से मिलना था, मैं मेफिस्टोफेलिस को कह रहा हूँ। Conducted me within the walls of room, क्या तुम मुझे रूम की दीवारों के दरमियान ले आए हो। Mephistopheles, fastest I have, and because we will not be unprovided, और fastest, हाँ हम आ गए हैं, और ताकि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। I have taken up his holiness, इसलिए मैंने पोप की तरफ ही अपना रुख कर लिया, यानी कि पोप हॉलीनेस प्राइवेट चैम्बर फॉर आवर यूज़, इसीलिए ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैंने पोप का प्राइवेट चैम्बर सिलेक्ट किया है इस्तेमाल के लिए, यानी कि पोप के प्राइवेट चैम्बर में कोई भी नहीं जाता था, बहुत ख़ास आदमी जाते थे। ये डायरेक्टिव वहाँ चले गए हैं तो ये बड़ी गुस्ताखी की बात भी थी, लेकिन यहाँ पर वो पहुँच गए। आई होप हिज हॉलीनेस विल बिड अस वेलकम, मुझे उम्मीद है कि वो हॉलीनेस मीन पोप, इसको पोप कहेंगे, पोप के लिए है मुकद्दस हस्ती, वो पोप जो है क्या करेगा, वो हमें वेलकम कहेगा। मुकद्दस हस्ती, हॉलीनेस ये तो नाउन नहीं है, प्लेस नहीं आएगा, क्या आएगा, पोप को कहा। आई हैव, जो मुकद्दस हस्तियाँ होती हैं उनके लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहते नहीं हैं जनाबे वाला मोहतरम उल मकाम इज्जत माँ पीर तरीकत रहबर शरीयत। सर मैं वो ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो एक तरह का मतलब पोप तो नाम है ना, लेकिन यहाँ पे आई होप हिज हॉलीनेस, हिज तो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना जो किसी चीज़ को किसी से बिलोंग कर रही हो। हाँ, मेरा ख्याल है कि वो उसकी मुकद्दस हस्ती यानी कि उसकी ज़ात हमें वेलकम कहेगी। किसकी ज़ात, वो हॉलीनेस कौन है, पोप है।
I hope His Holiness will bid us welcome. Tut, it's no matter. Oh, ye mamla to hai hi nahi. Man will be bold with his good cheer. We will be bold. हम बाला तर रहेंगे विद इज गुड चेयर उसकी मुस्कुराहट से. ये हमें उसकी वेलकम की मुस्कुराहट की ज़रूरत ही नहीं है, हम उससे बाला तर हैं. ये मेफिस्टोफेलिस का डायलॉग चल रहा है. एंड नाउ माई फास्टेस्ट दैट दाओ मेस्ट परसीव. फास्टेस्ट अब तुम समझ गए होगे या अब तुम देखोगे वॉट रूम कंटेनेथ टू डिलाइट दी विद, कि रूम तुम्हें क्या क्या खुशियाँ दे रहा है. Now that this city stands upon seven hills, जानो के रूम का शहर जो है ये सात पहाड़ों के ऊपर ठहरा हुआ है. That under proof, और जो provide करता है ground work of the same, और ये जो सात hills हैं ये ground पेश करती हैं, ये इस पूरे शहर की बुनियादें हैं. Just through the midst runs flowing Tiber stream, और फिर इस शहर के दरमियान में से टाइबर स्ट्रीम गुजरती है, नदी गुजरती है टाइबर, विद वाइंडिंग बैंक्स दैट कट इट इन टू पार्ट्स, और इसके दो वाइंडिंग बैंक्स, इसके दो बड़े बड़े दूर दूर किनारे हैं इस स्ट्रीम के, और दो दूर दूर किनारे होने की वजह से क्या होता है, शहर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है. यानी कि रोम के अंदर से एक स्ट्रीम गुजरती है जो शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है. Over which four stately bridges lean, और इसके ऊपर चार बड़ी बड़ी सी ब्रिज हैं. किसके ऊपर? नदी के ऊपर. That makes safe passage to each part of room, जिससे रूम का हर एक रास्ता सेफ हो जाता है, महफूज है. Upon the bridge called Fount Angelo, और फिर ब्रिज को कहा जाता है Fount Angelo. ये ब्रिज के नाम है. Erected is a castle passing strong, और इस ब्रिज के ऊपर या इस ब्रिज के किनारे पर या ब्रिज के साथ एक बहुत बड़ा खासल है, महल बनाया गया है. Within whose walls such store of ordinance are, और इस स्टोर के साथ इस महल की दीवारों के साथ स्टोर हैं ऑर्डिनेंस असले के. And double cannons framed of cord brass, और इस ब्रिज के ऊपर cord brass पीतल को खोद कर कनौन तोप बनाई गई हैं. तोप ऐसी पुरजे पुरजे नहीं बनाए गए, पीतल को खोद कर बनाई गई हैं, मजबूत तरीन. As may the days within one complete year, और इतना असला वहाँ पर मौजूद है. As may the days, अगर दिन की बात करें विदिन वन कम्प्लीट ईयर, तो एक साल के लिए यहाँ पर ये असला मौजूद है, एक साल तक ख़त्म नहीं होगा अगर लड़ते रहेंगे. बिसाइड द गेट्स एंड हाई पैरामिड्स, और गेट्स और हाई पैरामिड्स, और बिसाइड द गेट्स के साथ हाई पैरामिड्स, वो ऊंचे ऊंचे पैरामिड तकूनी शक्ल की पहाड़ियाँ हैं या घर बने हुए हैं या महल का हिस्सा है. विच जूलियस सीज़र ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, पैरामिड्स हैं जो कि अहराम हैं, जो कि जूलियस सीज़र, जो कि किसी ज़माने में एक जंगजू था और किंग था जो बहुत ज़ालिम था, जो सजीरियन से पैदा हुआ था, पेट को चीर कर पैदा किया गया था जूलियस सीज़र, वो अफ्रीका से लाया था. क्या लाया था अफ्रीका से? पता नहीं, पैरामिड लाया था, पता नहीं वो असले के ढेर लाया था गेट के साथ जो रखे हुए हैं. फर्स्ट इस नाउ बाय द किंगडम्स ऑफ इन्फीरियल रूल, अब अगर शैतानी हुकूमत के नाम लिया जाए ऑफ सेटेक्स, सिया दरिया का, काले दरिया का, ऑफ एक्रियोन, एक्रियोन का नाम लिया जाए, एंड फेरी लेक, और आग की झील का नाम लिया जाए, ओवर बर्निंग फ्लिक्टन, और बहुत ज़्यादा जलती हुई फ्लिक्टन झील का नाम लिया जाए. यानी कि मैं अगर शैतानी चीज़ों के नाम लूँ, आई स्वेयर दैट आई डू लॉन्ग टू सी द मोनूमेंट्स, तो आई डू लॉन्ग टू सी द मोनूमेंट्स, मेरे ख्याल में मुझे इन तमाम
इस रूम के मोनूमेंट्स को देखने के लिए, पहाड़ों को देखने के लिए मुझे बड़ा टाइम चाहिए। एंड सचन अ ब्राइट स्प्लेंडेड रूम, और रूम जो स्प्लेंडेड है, ब्राइट स्प्लेंडेड, वो किस तरह से ठहरा हुआ है, सिचुएटेड कहाँ पर है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मे बी कम देयर फॉर लेट्स अवे, आओ इस चीज़ को छोड़ देते हैं, कहीं और चलते हैं, यानी कि पोप के रूम में चलते हैं, अभी इन चीज़ों को छोड़ दें, बाद में देखेंगे। क्लियर? फास्टेस्ट, वेल आई एम कंटेंटेड टू कैंपस देम सम स्पोर्ट। मैं इरादा रखता हूँ कि इनको घेर लूँ। ओह क्या मेफिस्टोफेलिस की? अच्छा, ने फास्टेस स्टे, ने फास्टेस स्टे, मेफिस्टोफेलिस की लाइन, ने फास्टेस स्टे, आई नो यू वुड फेन सी द पोप। हाँ ठहरो फास्टेस, तुम बहुत खुशी महसूस करोगे पोप को देखकर। एंड टेक सम फोटो ऑफ होली पीटर फीस्ट, और ये आज तो होली पीटर की आज फीस्ट है, यहाँ पर दावत है पीटर की। पीटर वाज अ सेंट जिसकी आज दावत बरसी मनाई जा रही है। वेयर दाउ शैल्ट सी अ ट्रूप ऑफ बॉल्ड फेट फ्रेयर्स, और यहाँ पर तुम बहुत सारे बॉल्ड फेट गंजे पादरी देखोगे, और यहाँ पर गंजे पादरियों के फ्रेयर्स, पादरियों के ट्रूप दस्ते देखोगे जो खाने पर टूटेंगे। हु समम बोनम इज इन बेली चेयर, जिनकी जिंदगी का मकसद, समम बोनम जिंदगी का मकसद, इज इन बेली चेयर, पेट भरना है। ओके फास्टेस्ट, वेल आई एम कंटेंटेड टू कंपस, मेरा इरादा है कंपस में घेर लूँ देम, इन तमाम पादरियों को, सम सपोर्ट, किसी खेल तमाशे में, यानी कि मैं आज इनसे मजाक करूँ। एंड वेदर फुली मेक अस मैरीमेंट, और जब ये हमारे खेल कूद पर ये लोग परेशान हो जाएंगे या अहमकाना काम करेंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। देन चो मी दैट आई मे बी इनविजिबल, तो फिस्ट ऑफ विलेज मेरे ऊपर कुछ करो, जादू करो कि मैं नज़र ना आऊँ। टू डू वॉट आई प्लीज़, ताकि मैं वो कुछ कर सकूँ जो मैं करना चाहूँ। अनसीन बाय एनी वॉल एस्ट आई स्टे इन रूम, मैं नज़र ना आऊँ जबकि मैं ठहरा हुआ हूँ रूम के अंदर। मेफिस्टोफेलिस चार्म्स हिम, मेफिस्टोफेलिस उसके ऊपर जादू की छड़ी फेरता है या जादू करता है। सो फास्टेस्ट नाउ डू व्हाट थाउ विल्ट, अब फास्टेस्ट तुम वो करो जो तुम चाहते हो। दाउ शैल नॉट बी डिसर्न्ड, तुम किसी को नजर नहीं आओगे। साउंड अ सोनेट, सर यहाँ पे विल्ट और शैल का मतलब विल और शैल है? यस, विल और शैल है। अ साउंड अ सोनेट, एक सोनेट गाया जाता है, गीत गाया जाता है। सोनेट 14 लाइंस वाला गीत होता है, एक गीत गाया जाता है। और इंटर द पोप एंड अ कार्डिनल ऑफ लॉरेन टू द बैंक्वेट, कार्डिनल किसी ओहदे का नाम है, ये कार्डिनल रिलीजियस ओहदा है। लॉरेन का कार्डिनल और पोप दाखिल होते हैं बैंक्वेट दावत के ऊपर विद फ्रेयर्स अटेंडिंग, और उनके साथ सादे पादरी मौजूद हैं। माय लॉर्ड ऑफ लॉरेन वेल प्लीज यू फ्रॉम हियर, जनाब लॉर्ड ऑफ लॉरेन, ये कार्डिनल को कह रहा है पोप, क्या आप ज़रा करीब आ जाएंगे। फास्टेस्ट फॉल टू एंड डेविल चोक यू एंड स्पेयर, फॉल टू गिरे और तुझे शैतान बर्बाद कर दे, मार डाले, अभी तुम जिंदा हो। ये दरमियान में फास्टेस अल्फाज बोल देता है, हा ना हु इज दैट विच वो स्पैक फ्रेयर लुक अबाउट, करे ओ ये कौन है जो बोल रहा है, किसने बोला है, फ्रेयर पादरियो देखो जरा। फर्स्ट फ्रेयर पहला बोलता है, हियर इज नोबडी इफ इट लाइक योर होलीनेस, यहाँ तो कोई भी नहीं है अगर आप इज्जत माफ
गवारा करें तो मैं बताऊं कि यहाँ कोई भी नहीं है। मोर लॉर्ड, हियर इज द डेंटी डिश, यहाँ पर कितनी पुरलुत्फ डिश मौजूद है। वो सेंट मी फ्रॉम द बिशप मेलोन, मेलोन के बिशप ने मुझे ये डिश भेजी है और कितनी अच्छी है। आई थैंक यू सर, स्नैच इज द डिश, डिश छीन लेता है पोप से, नज़र तो नहीं आ रहा किसी को, डिश छीन लेता है पोप से और कहता है बहुत शुक्रिया पोप। हाउ नो, ये कैसे हुआ, हु इज दैट विच स्नैच द मीट फ्रॉम मी, ये कौन है जिसने मुझसे मीट छीन लिया है, गोश्त छीन लिया है। वेल नो मैन, लोग कोई भी नहीं देखेगा। मोर लॉर्ड, दिस डिश वॉज सेंट मी फ्रॉम द कार्डिनल ऑफ फ्लोरेंस, ये डिश तो मुझे कार्डिनल ऑफ फ्लोरेंस ने भेजी थी। फर्स्ट इज यू से ट्रू, आई विल हैच, स्नैच इज द डिश, उसने दूसरी डिश पकड़ी पोप ने, तो फासिस ने दूसरी डिश भी स्नैच कर ली। हाँ ये ठीक कह रहे हो, मैं इसे ले लेता हूँ पोप। व्हाट अगेन, मोर लॉर्ड, आई विल ड्रिंक टू योर ग्रेस, मैं ओ मेरे खुदा, आई विल ड्रिंक टू योर ग्रेस, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ। मे बी ही इज सेइंग दैट, मैं अपनी हेल्थ की, आई विल, मैं अपनी हेल्थ के लिए शराब पीऊँगा, यानी कि वो शराब जाम सेहत उठा लेता है। अच्छा भी ये तो छिन गया, मैं जाम सेहत पी लूँ कि मेरी सेहत ठीक रहे। वो वहाँ पर पीते हैं ना इस तरह शराब को टकरा कर भी, आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए। आप ऐसे पीते हैं दूध, दूध भी नहीं पीते। फर्स्ट आई विल प्लज योर ग्रेस, स्नैच द कप, कप ले लेते हैं, मैं तुम्हारी और रहमत को पकड़ लेता हूँ। कार्डिनल ऑफ लॉरेन क्या कहता है, मोर लॉर्ड इट बी सम गोस्ट, ओ यहाँ तो कोई भूत आ गया है, न्यूली क्रैप्ड आउट ऑफ फर्गेटरी, वो तो अपने फर्गेटरी, अपने डेवलिश या फर्गेटरी, क्रैप्ड आउट ऑफ फर्गेटरी, वहाँ से डेवल की दुनिया से वापस आ गया यहाँ पर। कम टू बैग द फॉर्डन ऑफ योर होलनेस, और यहाँ पर वो आया है कम टू बैग द फॉर्डन ऑफ योर होलनेस। अच्छा जी, फर्गेटरी का मतलब ऐसे पाक साफ होना होता है, अंदर रूहानी तौर पर साफ होना। तो बहरहाल वो कह रहा है कि जी आओ हम आपकी फर्गेटरी के लिए, आपकी रूहानी सफाई के लिए और आपकी मुकद्दस हस्ती के लिए पार्डन हम दुआ करें, निजात की दुआ बैग करें, मांगे। ओके, यानी कि कार्डिनल कहता है आओ हम सब मिलकर कोई दुआ करते हैं कि भूत यहाँ से चला जाए और आपकी सेहत की दुआ करते हैं। इट मे बी सो, हाँ ये ठीक है। फ्रेयर्स प्रिपेयर डिज टू ले द फ्यूरी ऑफ दिस गोस्ट, प्रिपेयर अ डिज, एक डिज, एक दुआ शुरू करो पढ़ना, ताकि इस गोस्ट की, भूत के गुस्से को कम किया जा सके। वंस अगेन मोर लॉर्ड फॉल टू, और वंस अगेन मोर लॉर्ड, एक बार फिर मोहतरम फॉल टू, खाना शुरू कर दो। द पोप क्रॉसेस हिमसेल्फ, पोप अपने सीने पर क्रॉस बनाता है, फिर खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं और दुआ भी करते हैं सारे भूत की फ्यूरी के लिए, भूत यहाँ गुस्से में आ गया है, कोई आ गया है बदरू, और इसकी फ्यूरी के लिए दुआ करते हैं। वट आर यू क्रॉसिंग ऑफ यूर सेल्फ, ओ तुम अपना क्रॉस बना रहे हो। वेल यूज अ स्ट्रिक, नो आई वुड एडवाइज यू, मैं तुम्हें कहता हूँ पोप ऐसा मत करो, दोबारा सलीब मत बनाना। द पोप क्रॉसेस हिमसेल्फ अगेन, पोप दोबारा सलीब बनाता है। वेल देयर इज अ सेकंड टाइम, अवेयर द थर्ड, दूसरी दफ़ा क्रॉस बनाए, तीसरी दफ़ा ऐसा ना करना। आई गेव यू फेयर वार्निंग, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। द पोप क्रॉसेस हिमसेल्फ अगेन एंड फास्ट हिट्स हिम अ बॉक्स ऑफ द एयर, उसे तीसरी बार तो अपना सीने पर क्रॉस बना दो, फास्टस ने उससे मुक्का मार दिया कान के ऊपर। एंड दे ऑल रन अवे, और सारे के सारे भाग गए। कम ऑन फेस्टिवलेस, व्हाट शैल वी डू, आओ हम क्या करें। ने आई नो नॉट, वी शैल बी कर्स्ड विद बेल, अब हमें ये घंटियां बजाकर हम पर लान तान करेंगे। बुक एंड कैंडल, किताब भी उठा लेंगे और एक क्षमा भी उठा लेंगे।
फर्स्ट था बेल बुक एंड कैंडल, कैंडल बुक एंड बेल, वो बार बार लफ्ज पुकार रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू कर्स फास्टेस्ट टू हेल, वो इस चीज़ की दुआ करेंगे कि फास्टेस्ट हेल में चला जाए, एंड ऑन यू शैल हियर अ ग्रंट, और अभी देखो तुम्हें सूर जैसी आवाज़ें सुनाई देंगी। अब देखें कि उसकी तजलील कर रहे हैं पोप की और तमाम रिलीजियस क्राइटेरिया की और चर्च की और तमाम पादरियों की, किसे तजलील कर रहा है एक घोस्ट, ये क्या है, लो कॉमेडी रखी गई है ड्रामा के अंदर। और लो कॉमेडी में वैसे तो आमतौर पर ये हुआ करता था कि डेवल्स और बदरुएं जो हैं वो लो कॉमेडी का बट होती थी, यानी कि उसका जो बुनियाद होती थी वो ये डेवल्स होते, इनको इनके ऊपर मजाक किया जाता था। अब यहाँ देखिए रिलीजियस जो पोप और हस्ती है मुकद्दस, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है। और कह रहे हैं कि वो सूर जैसी आवाज़ निकालेंगे, आ काफ ब्लीट साउंड निकालेंगे, एंड एन एसब्रे और गद्दे जैसी आवाज़ में निकालेंगे, ये हमें निकालनी नहीं आती, अमेरिकन को आती है, बिकॉज इट इज़ सेंट पीटर्स हॉलीडे, क्योंकि ये सेंट पीटर का मुकद्दस दिन है। आज ये सारा कुछ यहीं करते रहेंगे, मुख्तलिफ आवाज़ें, यानी कि वो वहाँ पर हाइम गाएंगे ना, खुदा की सना के लिए गीत गाएंगे, तो वो कहता है ये गद्दे जैसी आवाज़ निकालेंगे, ये कॉफ बछड़े जैसी आवाज़ निकालेंगे, और ये वहाँ पर सूर जैसी आवाज़ें निकालेंगे। हिंडर ऑल द फ्रेयर टू सिंग द डिर्ज, और वो मुकद्दस दुआ गाने के लिए तमाम फ्रेयर शाम दाखिल होते हैं कमरे में। फर्स्ट फ्रेयर, कम ब्रिथरम लेट्स अबाउट आवर बिजनेस विद गुड डिवोशन, आओ ब्रदर आओ सारे मिलकर अच्छे अच्छाई के लिए हम ये काम करें। Cursed be he that stole away his holiness meat from the table, खुदा उस पर लानत करे जिसने हमारे मोहतरम जनाब पोप के गोश्त को छीना। Maldicate Dominus, दोजक से जो निकल के आया था। Cursed be he that struck his holiness a blow on the face, वो जिसने हमारे हॉलीनेस के कान पर घूसा धरा है उस पर लानत हो। जब गीत गा रहे, कस्ट बी ही दैट टुक फ्रेयर सेंडुलू अ ब्लो ऑन द पेट, उस पर लानत हो जिसने फ्रेयर का सेंडलो अ ब्लो ऑन द पेट, जिसने उसको क्या किया है, सैंडलोज हेड, जिसने, अच्छा सैंडलो एक और फ्रेयर का नाम है, जिसने उसे मुक्का मारा था, ठीक है, ओके। कर्स बी ही दैट, यानी कि ना सिर्फ पोप को एक मुक्का पड़ा है बल्कि एक और फ्रेयर को, पादरी को भी मुक्का पड़ा है। कर्स बी ही दैट डिस्टर्ब आवर होली डिज, जिसने हमारे मुकद्दस गीत को आज डिज को दुआ को आज उसने डिस्टर्ब किया, उस पर भी लानत हो। कर्स्ड बी ही दैट टुक अवे हिज होलीनेस वाइन, उस पर कर्स हो जो आज हमारे होलीनेस की, हमारे पोप की वाइन छीन कर ले गया। तो मेफिस्टोफेलेस एंड फास्टस बीट द फ्रेयर्स, मेफिस्टोफेलेस और फास्टस ये फेंटते हैं, फेंटे लगाते हैं पादरियों की, एंड फ्लिंग फॉर वक्स अमंग देम, और वहाँ पर आग फेंकते हैं, शोले फेंकते हैं, एंड सो एक्सीडेंट, और इस तरह खेल तमाशा करते करते वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने करना है एक्ट फोर, शुरू हो गया हमारा एक्ट फोर में, हमें थोड़ी सी चीज़ें करनी हैं। आइए, एक्ट फोर इंटरकोरस। व्हेन फास्टस हैड विद फ्लायर टेकन द व्यू ऑफ रेयरेस्ट थिंग्स, जब फास्टस ने
छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय कर लिया एंड रॉयल कोर्ट्स ऑफ किंग्स और बादशाहों के दरबारों में भी घूम लिया। ही स्टेड हिज कोर्स, उसने सफ़र को जारी रखा एंड सो रिटर्न होम, उसने अपने सफ़र को रोका, स्टेड हिज कोर्स, सफ़र को रोका और फिर घर वापस आया। वेयर सच एज बेयर हिज एब्सेंस, जहाँ पर लोगों ने उसकी कमी को महसूस किया था घर में, बट विद ग्रीफ, लेकिन वो दुख के साथ था। आई मीन हिज फ्रेंड्स एंड नियरेस्ट कंपेनियंस, मेरा मतलब है फास्टस के दोस्त और उसके साथी, डिड ग्रेटुलेट हिज सेफ्टी विद काइंड वर्ड्स, जब वो वापस आया तो उसके दोस्तों ने ग्रेटुलेट किया, यानी कि उसे मुबारकबाद दी कि उसने सेफ सफ़र किया है और अच्छे अल्फाज से नवाजा फास्टस को। एंड इन देयर कॉन्फ्रेंस ऑफ व्हाट बी फेल, और जब उसने मीटिंग की फास्टस ने अपने दोस्तों के साथ बी फेल, तो अहवाल पूछा गया, टचिंग हिज जर्नी, उससे सफ़र के बारे में पूछा गया, थ्रू द वर्ल्ड एंड एयर, जो उसने हवा में किया था, दुनिया में किया था। किसने सवाल पूछे? किसने पूछे? हाँ, वो स्कॉलर हैं वहाँ के। दे पुट फोर्थ क्वेश्चंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के सवाल किए, विच फास्टस आंसर्ड विद सच लर्न्ड स्किल, और जिनके जवाब फास्टस ने बड़े उम्दा अंदाज में दिए। एज दे एडमायर्ड, उन्होंने तारीफ की, एंड वंडर्ड एट हिज विट, और वो हैरान हुए फास्टस के सोच पर, विट पर। नाउ इज हिज फेम स्प्रेड, अब उसकी शोहरत फैल गई थी। फोर्थ इन एवरी लैंड, यू आर अनिला, देयर इज नो अनिला, सेंड हिम अपवर्ड, ऊपर भेजो उसे। नाउ हिज फेम स्प्रेड फोर्थ इन एवरी लैंड, अब उसकी शोहरत पूरी जमीन, रूए जमीन पर फैल गई थी। किसकी शोहरत? Amongst the rest, the emperor is one, और उनमें से जिन पर, जिन तक उसकी शोहरत पहुँची थी, उनमें से एक emperor भी था, एक बादशाह भी था, उस तक भी बात पहुँची थी। Carlos the fifth, नहीं, Charles the fifth, इसका नाम Charles fifth था, at whose palace now Faustus is feasted, amongst his noblemen, जिसके पास अब Faustus जाके खाना खा रहा है उनके शाही लोगों के साथ, यानी कि एम्परर ने अब बुला भेजा है, या एक बादशाह के बाद पास फास्टस अब सफ़र करने, सैर करने फास्टस अब मिलने गया है एक बादशाह के पास। कम हियर, यस प्लीज, निदा, ओह निदा इज गॉन, चले गए, कोई ले गया है उसे, जस्ट बिफोर थ्री या फोर मिनट्स बिफोर, शी हैज़ वेटेड वेल। At whose palace now Faustus is feasted? ये Charles fifth है, ये emperor है, इसके पास अभी Faustus पहुँचा है और यहाँ क्या कर रहा है, खाने पर आया है वो, उसने बुलाया जी आए मेरे पास खाना खाएं। At whose palace now Faustus is feasted amongst his noblemen? अब Faustus noblemen के साथ खाना खा रहा है, शाही लोगों के साथ। ये English people का एक अजीब सा खप्त है, मुझे भी आज तक इस पर इतराज़ रहा है, कि वो बड़ी शान महसूस करते हैं बड़े लोगों के साथ खाना खा के। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, उनको अजीब सी ऑब्सेशन होती है जी, फिलां चौधरी मेरा वाकिफ़ है, फिलां जी SP है, उसके साथ मेरे ताल्लुकात है, बैठे बैठे सबकी बातें बताएंगे। मुझे इंतहाई घटिया लगते हैं कि इंसान के अपने अंदर कोई क्वालिटी हो तो वो दूसरों की परहेज़ क्यों करें। तो Faustus की बात जहाँ तक मैं करता हूँ, तो देखिए Faustus वो जो कहता है, मैं ऑल पावरफुल बनना चाहता हूँ, मैं ज़मीन पर ऐसे होऊंगा जैसे जोव होगा, तमाम एम्परर्स और किंग्स उसके साए में होंगे, उसकी बात मानेंगे, उसकी इजाज़त से चलेंगे। तो आज ये खुद एम्परर के कहने पर वहाँ गया हुआ है और वहाँ खाना खाने के लिए, होना तो ये चाहिए, और उसके नोबल मैन के साथ खाना खा रहा है, होना तो ये चाहिए था कि अगर वो उसके ऑल पावरफुल था तो सुबह सुबह हुक्म देता कि तमाम एम्परर्स मेरे घर के सामने कान पकड़ के खड़े हों, हैं। What there he did, वहाँ पर उसने क्या किया Faustus ने, एंड ट्रायल ऑफ हिज आर्ट, वहाँ पर उसने अपने कर्तव्य दिखाए, अपने काले जादू के कर्तव्य दिखाए। आई लीव ऑन फोर,
क्या कर्तव्य दिखाया, क्या आर्ट दिखाया, क्या काला जादू दिखाया, मैं इस बात को छोड़ देता हूँ। कोरस कहता है, योर आईज शैल सी परफॉर्म, आपकी अपनी आंखें देखेंगी कि उस एम्परर के पास जाकर फास्टस ने क्या कमाल दिखाया है। ये कोरस का सारा पार्ट था, कोरस ने समरी दी है और फिर कोरस ने लिंक कर दी है अगली बात के साथ। अच्छा जी, अब एक्ट फोर सीन वन, नियर एंड इन, एक सराय के साथ। यहाँ पर रोबन है, रॉल्फ है, ये कॉमिक कैरेक्टर हैं और ये यहाँ पर कॉमेडी पेश करेंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ जैसे कि फास्टस ने रिलीजन को छोड़ दिया। एक्ट फोर सीन थ्री पर आए, द एम्परर पैलेस एट इन्सब्रुक प्लेस है, वहाँ पर एक पैलेस है, महल है एम्परर का, किसी शाहजहाँ का। इंटर एम्परर बादशाह स्टेज पर आता है, फास्टस स्टेज पर आता है, नाइट एक जंगजू, नाइट पढ़ना है, कनाइट नहीं पढ़ना, वैसे से कनेक्ट भी पढ़ते हैं, अब पता नहीं कहाँ से हौसला आ गया है, पढ़ना तो कनेक्ट ही चाहिए, कनेक्ट, चलो नाइट हम पढ़ते हैं, नाइट भी है विद अटेंडेंट्स है। कौन कौन है जी बताएं स्टेज पर? बादशाह है, एम्परर बादशाह है, फास्टस है और एक उसका जंगजू। ओके, कुछ अटेंडेंट है। एम्परर, Master Dr. Faustus, I have heard strange report of thy knowledge in the Black Court. Dr. Faustus, हमने तुम्हारे ब्लैक आर्ट के मुतालिक, ब्लैक मैजिक के मुतालिक नॉलेज होने के बारे में बड़ा सुनना है कि तुम बहुत महर हो, किस में? ब्लैक मैजिक में। How that none in any empire nor in the whole world, और तुम जैसा ना तो किसी सल्तनत में पाया जाता है और ना ही पूरी दुनिया में तुम्हारे मुकाबले का कोई ब्लैक मैजिक जाने वाला आदमी है। कैन कंपेयर विद दी, जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, फॉर द रेयर इफेक्ट्स ऑफ मैजिक, मैजिक के कमालात में, जो मैजिक में तुम मखसूस किस्म के, रेयर किस्म के, कमयाब किस्म के इफेक्ट दिखा सकते हो, कोई भी नहीं दिखा सकता। दे से दाउ हैस्ट अ फेमिलर स्पिरिट, कहते हैं कि तुम्हारे पास बड़ी मशहूर किस्म की, ख़ास किस्म की कोई स्पिरिट है, कोई रूह है, यानी कि मेफिस्टोफेलेस की बात कर रहे हैं। चार्जर भी चाहिए, एक गिलास पानी भी चाहिए, ये भी पड़ा है। जाते हुए ले जाएं, रात शाम को ले जाएं, जैसे आप शाम को सुबह ले जाएं, सर बाई होम दो कैनेस्ट अकम्पलिश वॉट द लिस्ट, और इसके जरिए उसमें फिस्टोफिलिस के जरिए तुम कोई काम 8 PM अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इससे पहले मंगवा लूंगा। दैट्स वेरी राइट, और तुम उसके ज़रिए कोई भी टास्क जो तुम्हें दिया जाए तुम एकम्प्लिश कंप्लीट कर लेते हो। दिस देयर फॉर इज माई रिक्वेस्ट, मेरी ये रिक्वेस्ट है, दैट दाउ लेट मी सी सम प्रूफ ऑफ द स्किल, मुझे कोई अपने स्किल महारत के कोई कारनामा दिखाओ। कितनी अजीब बात है, वो जो कहता था कि तमाम एम्परर्स मेरे ताबे होंगे, मेरे कब्ज़े में होंगे, उसको बादशाह कह रहा है कि आओ जोकर, मैंने तेरे बारे में सुना है कुछ, मुझे भी टोम फुलरी दिखा, तमाशा दिखा। वो जो ऑल पावरफुल बनने जा रहा था, वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ वो तमाशा दिखाने जा रहा है, तमाशे बना रहा है, दिखा रहा है। कैन वी नॉट मिक्स इट? वी शुड मिक्स इट बाय दिस, यस, That mine eyes may be witness to confirm, ताकि मेरी आँखें ये witness हो जाएं, गवाह हो जाएं और confirm कर दें
कन्फर्म कर दें किस चीज़ को, वट मन एयर्स हैव हर्ड रिपोर्टेड, जो मेरे कानों ने तुम्हारे बारे में सुना था, तो मेरी आँखें उस चीज़ की विटनेस बन जाए, यानी कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बड़े कमाल दिखाते हो जादू के अंदर, तो मैं अपनी आँखों से देख भी लूँ ताकि मैं भी लोगों को तुम्हारी तारीफ कर सकूँ। एंड हेयर आई स्वेयर टू दी, और मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूँ, बाय द ऑनर ऑफ माय इंपीरियल क्राउन, मुझे अपने इस शान और शौकत वाले ताज की कसम, दैट वॉट एवर दाओ डोस्ट, तुम जो कुछ भी कर डालोगे, दाओ शैल बी नो वेज प्रिजडाइज, तुम्हें ना तो तासब का निशाना बनाया जाएगा और इन डैमेज, ना ही तुम्हें नुकसान पहुँचाया जाएगा। कैसी बात है कि एम्परर उसको तसल्ली दे रहा है कि जनाब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम तो जो तमाशा दिखाना चाहता है दिखा दे। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर फॉसिस का स्टॉट बहुत अच्छा है, स्टॉट ही स्टॉट है, ना मिड में कोई चीज़ नज़र आती है ना एंड में कोई चीज़ नज़र आती है, और जो बात उसने स्टॉट में की थी वो तो आगे है ही कोई नहीं। नाइट, अब नाइट दरमियान में ठहरा हुआ जंगजू ये अपनी एक दरमियान में से बात कर रहे हैं, आई फेस ही लुक्स मच लाइक अ कॉन्जुरर, मेरा ख्याल है ये तो मुझे कोई मदारी नज़र आता है। ये किसने कहा? नाइट, यानी कि असाइड एक तरफ मुंह करके कहा कि ये एक मदारी है, ऐसे आ गया है, आता वाता ऐसे कुछ नहीं है। फॉसिस, माय ग्रेशियस सुवेरियन, मेरे बादशाह सलामत, आई मस्ट कन्फेस मायसेल्फ फॉर इन्फीरियर टू द रिपोर्ट मैन हैव पब्लिश्ड, मैं कहूँगा लोगों ने आपको जो रिपोर्ट दी है उसके मुकाबले में मैं बहुत कमज़ोर और कमतर हूँ, इन्फीरियर हूँ। एंड नथिंग answerable to the honor of your imperial majesty, और आपकी जनाब की मजेस्टी के इज़्ज़त में तो मैं जवाब ही कोई नहीं दे सकता, यानी कि आप तो बहुत आला और अरफा हैं, मैं कमज़ोर हूँ। येट फॉर दैट लव एंड ड्यूटी, बस मोहब्बत का तकाजा है आपसे, मोहब्बत का तकाजा है, ड्यूटी, और फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी मेरा फ़र्ज़ बाइंड्स मी हैदर टू देयर अनटू, मेरी ड्यूटी मुझे मजबूर करती है कि मैं आपको ओबे करूँ। आई एम कंटेंट टू डू व्हाट्स एवर योर मेजेस्टी शैल कमेंड मी, और आपकी मेजेस्टी यानी कि आप जनाब जो कुछ भी मुझे हुक्म देंगे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि उसने कहा आप हुक्म दें मैं वो पूरा कर दूँगा। एम्परर, देन डॉक्टर फॉसिस, मोर व्हाट आई शैल से, फिर डॉक्टर फॉसिस सुनो करो वो जो मैं कहता हूँ, एज आई वॉज समटाइम सोलिटरी सेट, कभी कभी सोलिटरी में तन्हाई में मैं सोचता हूँ, विद इन माई क्लोज सेट अपने ही अंदर सोचता हूँ, सन रॉय थॉट्स अरोज, और बहुत सारी सोचें मेरे अंदर जन्म लेती हैं, अबाउट द ऑनर ऑफ माई एंसेस्टर्स, अपने अबाव अजदाद की शान और शौकत के बारे में बहुत सारी सोचें मेरे जहन में आती हैं, हाउ दे हैड वोन बाय प्रूव प्रोविस सच एक्सप्लॉइट्स, और किस तरह से उन्होंने जीती प्रोविस बहादुरी की सच एक्सप्लॉइट्स जंगें, मैं सोचता हूँ अपने आबाओ अजदाद के बारे में कि उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ जंगें जीती थी, गॉड सच रिचनेस, बहुत खुश होता हूँ, सबड्यूड सो मैनी किंगडम्स, और मेरे आबाओ अजदाद ने सबड्यूड कई सल्तनतों को कई किंगडम्स को अपने आगे झुकाया, एज वी जेड डू सक्सीड, जैसे कि आज हम कामयाब होते हैं, आर दे दैट शैल हेयर आफ्टर पोजेस आवर थ्राउन,
जिस तरह के आज अगर हम कामयाब होते हैं और हमारे बाद में आने वाले जो लोग हैं इधर आफ्टर हेयर आफ्टर पुजस जो हमारे थ्राउन को हम हुकूमत को संभालेंगे, जिस तरह के मेरे बाद आने वाले मेरी हुकूमत को संभालेंगे, शेल आई फेयर मी नेवर अटेन टू दैट डिग्री, मैं सोचता हूँ वो इस मर्तबे पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। व्हाट इज़ द आइडिया? आइडिया इज़ दैट कि मेरे आबाओ अजदाद ने जिस तरह की जंगें लड़ी हैं ना तो वैसी जंगें मैं जीत सकता हूँ, ना ही इतनी सल्तनतों को मैं अपने काबू में कर सकता हूँ, ना ही मेरी आने वाली नस्लें कर सकती हैं। यानी कि मेरे फोर फादर ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो बहुत कमाल थे। ऑफ हर नोन एंड ग्रेट अथॉरिटी, वो इतनी ग्रेट अथॉरिटी कभी भी हासिल नहीं कर सकते जितनी कि मेरे आबाओ अजदाद कर गए हैं। कौन नहीं कर सकते? मेरे आने के बाद वाले, मेरे बाद आने वाले। अमंगस्ट विच किंग्स इज अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इन तमाम आबाओ अजदाद में एक किंग गुजरा है जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? ही वॉज ग्रीक। सिकंदर आजम याद है, डेरा गाजी खान तक आया था, मुल्तान में आया था सिकंदर आजम, इस इलाके को फतह किया था। हाँ, उसने एक स्टेट बनाई थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। बैरा टाउन ने मुकम्मल अलेक्जेंड्रिया बनाया है यहाँ लाहौर के अंदर, पता है, देख सकते हैं आप, वहाँ जाएं, बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पर घर बनाए हैं, सारे लोग रहते हैं वहाँ अलेक्जेंड्रिया में, वैसा शहर बसाया है। तो अलेक्जेंडर वॉज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। अलेक्जेंडर मूवी भी है। चीफ स्पेक्टिकल ऑफ द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंस, चीफ स्पेक्टिकल बहुत बड़ी अहमियत है। ऑफ वर्ल्ड्स प्री एमिनेंस, वो दुनिया का पहला फतेह था। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला शख्स था जिसने दुनिया फतेह की थी। हाँ, द ब्राइट शाइनिंग ऑफ हूज ग्लोरियस एक्ट्स, और वो ब्राइट शाइनिंग, वो इंतहाई द्रक्षा सितारा है तमाम तर अपने उम्दा कामों की वजह से। लाइटन्स द वर्ल्ड विद हिज रिफ्लेक्टिंग बीम्स, और अपनी रिफ्लेक्टिंग बीम्स के ज़रिए और अपनी शोओं से, उसने अपनी रोशनी से उसने तमाम दुनिया को क्या किया है, रोशन कर दिया। यानी कि ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दिए हैं जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई है। यस सर, वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई एक घंटे के बाद कॉल कर लें, एमरजेंसी है तो बोल दें। वो ट्यूशन दे दिए किसी को। ओके नाइस। एज व्हेन आई हेयर बट मोशन मेड ऑफ हिम, ओके विद हिज रिफ्लेक्टिंग बीम्स, ये हो गया जी। उसने पूरी दुनिया को रोशन किया। ये कैसे रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया को? रोशन दुनिया को फतह किया अपने कामों की वजह से, दुनिया को एक उसकी इंस्पिरेशन मिली, यही होगा। गुड़िया देखो, जब ये अलेक्जेंडर द ग्रेट निकला था तो उसके साथ नॉलेज भी था, वो अरिस्टोटल से बड़ा अरसा पढ़ता रहा था, तो उनके पास किताबें भी होती थी, और वो जिस जिस खित्ते से गुजरते थे वहाँ के आलमों को अपने साथ कर लेते थे, स्कॉलर्स को अपने साथ कर लेते थे। नॉलेज एक जगह इकट्ठे हो जाता था, और फिर काफ़िले के अंदर नॉलेज का एक बहुत बड़ा ख़जाना था। वो जब दूसरी स्टेट पर पहुँचते तो वहाँ पर कुछ नए लोग प्लांट कर देते, कुछ स्कॉलर वहाँ छोड़ देते, कुछ अपनों में से लायल लोग वहाँ बैठा देते, जो सारी मालूमात उनके पास होती और उन लोगों को वो मैच्योर करते या नए कानून वहाँ पर वज़े करते, नया नॉलेज वहाँ पर प्रोवाइड करते। तो वहाँ पर जिस तरह आज मीडिया है, जिस तरह इस तरह वो काफ़िला पूरा एक मीडिया का काम दे रहा था, और वहाँ पर लोगों को कत्लो गारत का निशाना तो बनाया जा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर रोशनी भी बखेरी जा रही थी इस तरह से। ये इसे आप कह सकते, दैट वॉज द वाइल्ड बीम, ये जंगली रोशनी थी। हाँ, ओके। नॉलेज किस चीज़ के बारे में?
फिलासफी थी, नहीं फिलासफी थी, हाँ उसके ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में भी नॉलेज था। यस कम हियर, एक्सक्यूज मी, ओके हियर, कम हियर प्लीज, कम हियर। एज वन आई हेयर अबाउट द मोशन मेड ऑफ हिम, और जैसे कि मैंने मेंशन किया है, किचन से पानी ले लें तो वो ज़्यादा ठंडा होगा। देयर इज किचन, फर्स्ट डोर राइट पर, यस। एज वन आई हेयर अबाउट मोशन मेड ऑफ हिम, एज वन आई हेयर बट मोशन मेड ऑफ हिम, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर आपको इसके बारे में मेंशन कर दिया है, किसके बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। अब ये सिक्स और सेवन लाइंस आर इम्पोर्टेंट देन। इट ग्रीव्स, ग्रीव्स माय साउल, इट ग्रीव्स माय साउल आई नेवर सॉ द मैन, मेरे दिल को बड़ा दुख होता है कि मैंने आदमी वो देखा नहीं, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुना है लेकिन मैं ना उसकी तस्वीर देखी है ना उसको मैंने देखा है कि वो कैसा था। इफ देयर फोर दाओ बाय कनिंग ऑफ दाइन आर्ट, अगर तुम बाय कनिंग ऑफ दाइन आर्ट अपने इस जादू के ज़रिए कैनस्ट रेज दिस मैन फ्रॉम हॉलो वाउट्स ऑफ बिलो, वाउट्स बिलो, अगर तुम तह की गहराइयों से, खोखली गहराइयों से, खाली गहराइयों से इस आदमी को दोबारा ज़िंदा करके दिखा दो, There lies entombed this famous conqueror, जहाँ पर ये tomb के अंदर, एक tomb को क्या कहते हैं, मकबरे के अंदर ये मशहूर तरीन फातेह मौजूद है, फातेह मौजूद है, अगर तुम मुझे उसके बारे में उसे ज़िंदा कर दो तो फिर बात है। एंड ब्रिंग विद हिम हिज ब्यूटिस फेरामोर, और उसके साथ उसकी महबूबा, ब्यूटिस, खूबसूरत महबूबा को भी साथ दिखा, यानी कि ही इज सेइंग दैट आई वांट टू वॉच अलेक्जेंडर द ग्रेट एज वेल एज हिज फेरामोर, उसकी बेगम के भी साथ, बोथ इन देयर राइट शेप्स, दोनों सही शक्ल सूरत में हों, जेस्चर वहीं अंदाज हो, एंड अटायर और वहीं उसके अतवार हो, यानी कि उनका चलना फिरना भी वैसा का वैसा हो। दे यूज टू वेयर ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ लाइफ, मैं चाहता हूं कि उन्होंने लिबास भी वैसा पहना हुआ हो जैसा कि वो उस वक्त में पहना करते थे, बोलना है थे, आगे पेज नहीं देखे कितना रहता है, आपने एक तो भुला लिया है अपने भाई को। दे यूज टू वेयर ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ लाइफ, दे यूज टू वेयर ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ लाइफ, जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी में कपड़े पहना करते थे। Thou shalt both satisfy my just desire, तो फिर आपने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, यानी कि मेरी ख्वाहिश है अलेक्जेंडर को देखना, उसकी वाइफ को देखना, तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। And gave me cause to praise thee while I still live, और फिर मुझे वजह फराम कर दो कि फिर मैं तुम्हारी तारीफ करता रहूँ। Fastest, my gracious lord, I am ready to accomplish your request, आपकी बात पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। सो फॉर फोर्थ एज बाय आउट एंड फॉर ऑफ माई स्पिरिट, मैं अपनी बहुत ज़्यादा इस जादू और ताकत के ज़रिए अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को हुक्म दूंगा, आई एम एबल टू परफॉर्म कि वो परफॉर्म, यानी कि मैं इस काबिल हो जाऊँगा अपनी स्पिरिट के ज़रिए कि हम परफॉर्म कर दें जैसा आप चाहते हैं। नाइट आई फील दैट That just nothing at all. मुझे यकीन है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। Fastest. But if it like your grace, it is not in my ability to present before your eyes the true substantial bodies. लेकिन जनाबे वाला, मेरे इस काबिलियत मेरे अंदर ये नहीं है कि सब्सटेंशियल बॉडीज़ कि मैं ठोस वहीं जिस्म ही उठाकर ले आऊं, ऑफ जोज अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी वाइफ के टू डिसीज्ड प्रिंस, जो दो मरे हुए प्रिंस हैं ये दो, विच लॉन्ग सिंस आर कंज्यूम टू डस्ट, क्योंकि ये बड़े अरसे से डस्ट बन गए हैं, यानी कि ही वॉन्ट टू से दैट भाई मैं उनको वैसा का वैसा वहीं जिस्म तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपनी स्पिरिट को हुक्म दे सकता हूँ वो वैसी शक्ल सूरत अपना लेंगे। बात क्लियर है?
नाइट आई मैरी मास्टर डॉक्टर नाउ देयर इज अ साइन ऑफ ग्रेस इन यू. हाँ डॉक्टर फॉसेस पता चल गया है तुम्हारे भी उम्दगी का. वन यू विल कन्फेस द ट्रूथ. पता नहीं कब तुम सच मान लोगे भाई मैं ये काम नहीं कर सकता. असाइड बट सच स्पिरिट्स एज कैन लाइवली रिजेंबल अलेक्जेंडर एंड हिज फॉलोअर. लेकिन मेरे पास ऐसी बदरुए हैं जो कि अलेक्जेंडर और उसकी महबूबा की खदोखाल अपना लेंगे. शेल अपेयर बिफोर योर ग्रेस और वो आपके सामने आ खड़े होंगे इन दैट मैनर ऐसे अंदाज में दैट दे बोथ लिव्ड इन जिस तरह के वो जिंदा रहा करते थे. इन देयर मोस्ट फ्लोरिशिंग स्टेट अपनी बहुत ही उम्दा फ्लोरिशिंग बहुत ही उम्दा शान शौकत वाली खूबसूरत फूलों वाली स्टेट सल्तनत में विच आई डाउट नॉट शेल सफिशेंटली कंटेंट योर इंपीरियल मेजेस्टी विच आई डाउट नॉट और मुझे कोई शक नहीं है ये सीन सफिशेंटली काफ़ी हद तक कंटेंट तसल्ली देगा मुतमईन कर देगा योर इंपीरियल मेजेस्टी आपकी शान को. यानी कि आप उम्मीद करता हूँ इस सीन को देखकर काफ़ी इंजॉय करेंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे. ओके एम्परर गो टू मास्टर फॉसल लेट मी सी देम प्रेजेंटली. फास्टस करो ऐसा मैं देखना चाहता हूँ. नाइट डू यू हियर मास्टर फॉर डॉक्टर यू ब्रिंग अलेक्जेंडर एंड हिज फेरोमोन बिफोर द एम्परर. डॉक्टर फॉसल क्या तुम्हें पता है कि तुमने अलेक्जेंडर को और उसकी महबूबा को स्टेज पर लाना है. हाउ देन सर तो फिर क्या हुआ जनाब. आई वेज दैट सेज ट्रू एज डायना टर्न मी टू अ स्टेज. ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे डियाना स्टेज पर आ जाए. यानी कि दैट इज इम्पॉसिबल वर्क. डियाना वॉज अ मिथिकल करेक्टर एक मिथिकल करेक्टर था जिसकी स्टोरी चलो फिर कभी बताऊंगा. पर डियाना को जिस जो देखता था वो ब्लाइंड हो जाता था. सर स्टेज पे आता है स्टैग लिखा हुआ है यहाँ पे STAGA ई भी नहीं आ गए. अच्छा ये तो ऐसे जैसे डियाना को स्टैग हिरन बना दिया जाए. यानी कि दैट इज इम्पॉसिबल वर्क दैट क्वीन डियाना को कोई हिरन बना दे. नो सर बट व्हेन एक्टियन डाइड ही लेफ्ट द हॉर्न्स फॉर यू. नहीं जनाब ऐसा नहीं है. बहरहाल एक्टियन एक करेक्टर था एक आदमी था. जब वो मरा था तो वो उसने कुछ वो छोड़ दिए थे सींग छोड़ दिए थे सींग हॉर्न्स आपके लिए. मेफिस्टोफेलेस बी गॉन. मेफिस्टोफेलेस जाओ ज़रा. यानी कि वो कहते हैं कि तो एक्टियन जब मरा था तो उसने सींग छोड़ दिए थे और मेफिस्टोफेलेस जरा दिखाओ इसे सीन. एग्जिट मेफिस्टोफेलेस नाइट ने एंड यू गो टू कॉन्जरिंग आई विल बी गॉन. हाँ हाँ मैं क्यों जाऊँ तुम अपना जादू दिखाओ. वो समझ रहा है कि वो मुझे कह रहा है कि तुम जाओ जी मैंने जादू दिखाना है. आई विल मीट विद यू एनाउन फॉर इंटरप्टिंग मी सो. मैं तुम्हें जरा सबक सिखाता हूँ मुझे इंटरप्ट करने की वजह से. हियर दे आर माय ग्रेशियस लॉर्ड. ये रहे वो माय ग्रेशियस लॉर्ड. अच्छा अब नाइट को कहा है कि तुमने सींग छोड़ दिए तुम्हारे लिए जरा सबर करो तुम तुम्हें सबक सिखाता हूँ. उधर से फिर री एंटर मेफिस्टोफेलेस विद स्पिरिट्स इन द शेप्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड हिज फेरोमोन. और सामने क्या आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट और फेरोमोन ये सामने स्टेज पर जहर होते हैं. ये हैं कौन दर हकीकत स्पिरिट्स हैं. मेफिस्टोफेलेस को लाता है. मास्टर डॉक्टर आई हियर दिस लेडी. डॉक्टर मैंने इस खातून के बारे में सुना था. व्हाइल शी लिव्ड जब ये जिंदा थी हैड अ वॉर्ट और मोल इन हर नेक
तो इसकी नेक के ऊपर एक तिल था। हाउ शैल आई नो वेदर इट बी सो और नो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये वही लेडी है या कोई और है। योर हाइनेस मे बोल्डली गो एंड सी, जनाब वाला आगे बढ़े और देख लें। श्योर दीज आर नो स्पिरिट्स, ये तो रूहें बिल्कुल नहीं हैं, बट अ ट्रू सब्सटेंशियल बॉडीज ऑफ दोज टू डिसीज्ड प्रिंसेस, ये उन दो प्रिंसेस शहजादों की, मरे हुए शहजादों की बिल्कुल प्योर असल जिस्म हैं। विल इट प्लीज योर हाइनेस नाउ टू सेंड फॉर अ नाइट दैट वाज सो प्लेजेंट विद मी हियर ऑफ लेट, जरा मेहरबानी करके आप नाइट को फिर बुलाएंगे जो मेरे साथ कुछ खुश गप्पियाँ लगा रहा था थोड़ी देर पहले। वन ऑफ यू कॉल एंड फोर्थ, एक आदमी बुला कर ले नाइट को। एंटर द नाइट विद द पेयर ऑफ हॉर्न्स ऑन हिज हेड, नाइट आता है जिसके सर पर दो सींग लगे हुए हैं। हाउ डज सर नाइट फील ऑन दाय हार्ट, तुम अपने सर पर कैसे महसूस कर रहे हो नाइट। द डेंड रेच एंड एक्सक्रीवल डॉग, काबले नफरत कुत्ते, बदबख्त इंसान, लानती, वो उसे गालियां देने लग जाता है डॉक्टर फॉस को। बर्डन द कनकेव ऑफ सम मॉन्स्टर्स डॉग, तुम दफन हो जाओ, तुम्हें कोई कनकेव, कोई खोखली रॉक पहाड़ खा जाए। हाउ डस दाउ थॉस अबिल्ड अ जेंटलमैन, तूने एक जेंटलमैन को कौन सी। हाउ नाउ सर नाइट व्हाई हैड टोल्ड दाउ हैडस्ट बीन अ बैचलर बट नाउ आई सी दाउ हैस्ट अ वाइफ, सर आपकी नहीं, मेरा नहीं है। वी एंटर द किंग विद अ पेयर ऑफ हॉर्न्स ऑन हिज हेड, इसके बाद है। हाउ नाउ सर नाइट फील ऑन द हेड, ये My head for thou hadst been a bachelor, but now I see thou hast. No, मेरे पास नहीं ये lines नहीं हैं, चल नई text में शामिल की गई हैं, maybe कहीं से। Feel on thy head है, लेकिन वो last में है वहाँ से। कई line काट दीजिए फिर। How dost thou thus abuse a gentleman? तुमने जेंटलमैन को कैसे अब्यूज़ किया, यानी कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है। वेल अनटू व्हाट दाउ हैस्ट डन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने ये क्या किया है मेरे साथ। ओके नाउ ठीक हो गया, मैं ग्रेशियस लॉर्ड हो गया। देयर इज अनदर डायलॉग, फास्टेस्ट का एक डायलॉग है, दो पेज छोड़कर है, ज़रा तलाश कीजिए। लाइन नंबर बनती है कोई 39 या 38। फास्टेस्ट, अवे यू विलन, व्हाट डोज थिंक आई एम अ हॉर्स डॉक्टर, एग्जिट हॉर्स कर्सर, मिलिए। फास्टेस्ट का डायलॉग है, हॉर्स कर्सर के साथ डायलॉग कर रहा है फास्ट से। अवे यू, क्या है लाइन नंबर 1104 1104 1104। ये उर्दू वर्यन एन के एम है और मेरे पास सिंपल एन के एम है, बहुत पुरानी बुक है मेरे ग्रैंडफादर वाली, ये 146 है पेज नंबर, और लाइन नंबर है मेरे पास 38। फास्टेस्ट का डायलॉग है, फास्टेस्ट और हॉर्स कर्सर के दरमियान डायलॉग जारी थे, और हुआ ये था कि हॉर्स कर्सर के साथ डील की थी डॉक्टर फास्टेस्ट ने, और डॉक्टर फास्टेस्ट ने उसे एक घोड़ा बेच दिया हॉर्स कर्सर को, यानी कि घोड़ों की डीलिंग करने वाले एक आदमी को डॉक्टर फास्टेस्ट ने कहा कि घोड़ा ले लो ये, उसने कहा ठीक है, पैसे ले लिए डॉक्टर फास्टेस्ट ने और उसको घोड़ा दे दिया और कहा कि इस घोड़े को बस पानी में नहीं ले जाना, बाकी जहाँ मर्जी ले जाओ ये चलता जाएगा। तो हॉर्स कर्सर उसे पानी में लेकर जाता है, थोड़ी देर के बाद वो भूसे के ढेर पर बैठा होता है। अब वो फिर डॉक्टर फास्टेस्ट से लड़ाई करता है, डॉक्टर फास्टेस्ट उसकी टांग निकाल लेता है, या डॉक्टर फास्टेस्ट की टांग हॉर्स कर्सर निकाल लेता है और निकाल के भाग जाता है, इस तरह का कोई जोक है इनके दरमियान। तो यहाँ पर दरमियान में एक डायलॉग आ गया, तो कहता है अवे यू विलन व्हाट डोज थिंक आई एम अ हॉर्स डॉक्टर, भाग जाओ यहाँ से विलन, तुम क्या समझते हो कि मैं घोड़ों को ठीक करने वाला डॉक्टर हूँ कोई। व्हाट आर दाउ फास्टेस, फास्टेस क्या है तुम्हारे अंदर स्किल, तुम्हारे अंदर क्या कारीगरी है,
क्या तुम्हारा आर्ट है? बड़ा मैन कंडेम टू डाई, तुम एक आदमी ही तो हो जिसने मर जाना है। दाई फेटल टाइम डोज ड्रॉ टू फाइनल एंड, तुम्हारा हलाकत वाला वक्त करीब से करीब आ रहा है। डिस्पेयर डोज ड्राइव डिस्ट्रस्ट अनटू माय थॉट्स, मायूस और फिर डिस्ट्रस्ट और फिर एतमाद नहीं है अपनी सोचों पर, मुझे एतमाद नहीं मायूसी है। कन्फाउंड दीज पैशंस विद अ क्वाइट स्लीप, और फिर मैंने अपने तमाम तर जज्बों को सुला दिया है। थश क्राइस्ट डेड कॉल द थीफ अपॉन द क्रॉस, हाँ देखो अफसोस, क्राइस्ट ने एक थीफ को, एक चोर को, अब जब वो क्राइस्ट क्रॉस पर था, जब वो क्रॉस पर लटका हुआ था, जब उसके हाथों में मेखें और जब वो उसे मार रहे थे, शहीद कर रहे थे क्राइस्ट को, उस वक्त जाते जाते उसने एक थीफ को, चोर को भी माफ़ी दिलवा दी थी, निजात दे दी थी। देन रेस्ट थी फास्टेस, रेस्ट करो फास्टेस, पॉइंट इन कंसीट, बस ख्यालों में, आइडियाज़ में रेस्ट करो। ओके इट्स मीन दैट द व्हाट द सेंटेंसेस आर ओवर देयर, द ओवरऑल आइडिया इज दैट ही इज़ अगेन इन कन्फ्लिक्ट, मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, टू बी एंड टू बी नॉट में है। फिर आ गया है कि मुझे क्राइस्ट की तरफ सोचना चाहिए, मुझे गॉड की तरफ सोचना चाहिए, मैंने जो काम किया है दैट इज़ नॉट अ गुड वर्क। अच्छा ये तो यहाँ पर हो गया, तो नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है स्टार्ट करना है, ताकि आपको पता हो, अगली रिकॉर्डिंग आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ये सीन फोर आ गया, फाइव आ गया, एक्ट फाइव हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक्ट फाइव सीन वन से, एक्ट फाइव सीन वन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर मेरा तो 152 है, आपका पेज नंबर क्या है? 192। ये उर्दू वर्जन है एनकेएम का, 192। ओके नाइस, अफेयर।